इस ब्लॉग। तो दोस्तों आज काफ़ी जाने के लिए वो तो वहाँ पर हम नहा रहे हैं नीचे, तो देख रहा हूँ कि पानी बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो इस गंदे पानी में तो नहाना नामुमकिन है। तो आज का प्लान तो ऐसे ही चौपट हो गया, बिना नहाए वापस जाना पड़ेगा। तो देखते हैं वापस जाने से पहले क्या क्या आप लोगों को दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा जरूर, तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ही गंदा है पानी। एक्चुअली यहाँ ऊपर काम चल रहा है साइड, उसी की वजह से ये गंदा हो रहा है पानी, नहीं तो आज तो मौसम भी साफ है, गंदा होना नहीं चाहिए था पानी। तो लोकेशन तो काफ़ी ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर है यहाँ का लोकेशन। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन करने से जैसे गंदा पानी होने के कारण हम नहीं नहा पाए। तो दोस्तों आज का नहाना हुआ कैंसिल, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि पानी पूरा गंदा है, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। थोड़ा आगे जाएंगे घूम फिर के आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि नहाना तो हो गया कैंसिल और ऊपर क्योंकि गर्मी है, तो कोई ठंडी जगह देख के वहाँ रेस करेंगे। तो चलिए आ गए हैं सीजी, और हम और मेरे दोस्त ये सामने रेस कर रहे हैं। बहुत ही गर्मी था, लेकिन अभी छाया हो गया है, आसमान में धूप भी छुप गया है बादल में, इसलिए अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही फ्रेश लग रहा है यहाँ आके, दीपावली में तो इतना गर्म था, यहाँ काफ़ी ठंडा लग रहा है और काफ़ी फ्रेशनेस महसूस हो रहा है। और पीछे कुछ ट्रकें देख रहे हैं, और सामने आप देख सकते हैं वहाँ खुदाई का काम चल रहा है, इस तरह के पत्थरों का जो कि यहाँ से सप्लाई करते हैं डिब्रूगढ़, और आगे यहाँ का भी ज़रूरी हो रहा है, वहाँ यहाँ यहाँ से सप्लाई किया जाता है। देख सकते हैं ट्रक खड़ी है, वहाँ खुदाई चल रहा है और आगे भी खुदाई हो रहा है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में पत्थर गिट्टी बालू ये सब का सप्लाई किया जाता है डिब्रूगढ़, उस तरफ जहाँ जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ। और देखिए यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा काफ़ी सुंदर, और आसमान में भी छुप गया है बादलों के पीछे, यही सब पत्थर है जो कि यहाँ से सप्लाई किया जाता है। बस ये तक आज का मेरा वीडियो। एक्चुअली आए थे हम नहाने, सोचा था कि नहाने का वो वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि पानी गंदा होने के कारण। तो फिर यहीं घूमने आ गए हम लोग, तो खैर अगली बार ज़रूर बनाऊंगा अच्छी तरह से, तो पानी साफ़ होगा फिर से आऊंगा मैं नहाने के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे सेफ, जय हिंद।